आ वेखो किवें दो धिरां दे विच चले इट्टां रोड़े। पुरानी रंजिश ने धार लिया खूनी रूप। सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे दे विच होई कैद। दस दे कि वड्डी वारदात हुई है जिथे दो धिरां दे विच किसे गल नूं लैके आपस दे विच बहस हो जांदी है, जिस तों बाद बहस खूनी रूप धारण कर लैंदी है। इह इक दूसरे ते इट्टां पत्थर बरसाउण लग जांदे ने, जिस दे विच मौके ते परिवार दीआं महिलावां अते बच्चे भी जख्मी हो जांदे ने, जिस दी इक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई है। जिस तों बाद इस संबंधी सूचना पुलिस नूं दित्ती जांदी है ते पुलिस हुण मामले दी जांच कर रही है। दस दे कि मामला लुधियाना तो सामने आया है, जिथे एक बेकरी मालिक ते हमला किया गया, जिस दी तस्वीरां भी सामने आईयां ने। वेख सकदे हो किस तरीके दे नाल इट्टां ते रोड़े नाल इन्हां वल्लों हमला किया जा रहा है, जिस दे विच एक परिवार दे बच्चे अते महिलावां भी जख्मी हो जांदियां ने। जिस तों बाद जान बचा के घर ते अंदर वड़दे ने, पर हमलावर फिर घर दे बाहर आके इन्हां दे घर दे गेट ते हमला जारी रखदे ने। इस संबंधी जानकारी दिंदे होए सदरुल इस्लाम ने दस्सिया कि 5 तों 6 लोकां ने इन्हां दे परिवार दे उत्ते इट्टा पत्थर नाल हमला किया ते परिवार दीआं महिलावां वल्लों भी उन्हां ते पत्थरबाजी की गई। उन्हां मुताबिक 4 महीने पहला भी उन्हां दा कोई विवाद होया सी ते उस मामले दे विच उन्हां वल्लों शिकायत दर्ज करवाई गई सी ते हमलावर उन्हां ते शिकायत नूं वापस लैण नूं लैके दबाव बना रहे सी। इस मुताबिक उन्हां कहा कि जदों ओह गड्डी दे विच बेकरी दा समान लोड कर रहे सी तां अचानक महल्ले दे नौजवान गली दे विचों लंघ के उन्हां नूं गालां कढ़न लग जांदे आ, जिस तों बाद समझाया जांदा है पर ओह नहीं मन्नदे तां दोनां दे विच बहस हो जांदी है, जिस तों बाद इह एक दूसरे ते हमला करन लग जांदे ने, जिस दे विच उसदे परिवार दे 3 लोक भी जख्मी होए ने ते हुण पुलिस नूं इस संबंधी शिकायत दित्ती गई है ते हुण सीसीटीवी दे आधार ते पुलिस जांच कर रही है। हमारे साथ 3-4 लड़के आए पहले से ही, उन्होंने पहले से तैयारी की हुई है, ईंटें पत्थर चलाने लगाए। हमारे बच्चे भी बाहर खड़े थे, जनानियां भी बाहर खड़ी हुई थी, सब पे ईंट पत्थर बरसा दिए, उसमें से मेरे लग गई, मेरी लड़की के लगी और मेरे भतीजी के लग गए, और उन्होंने लड़कियों के साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश की, कपड़े उपड़े फाड़ने लगे थे, ये करने लगे, बदतमीजी पे आ गए थे। क्या नाम है उनका? नाम है एक लड़का, उसका साहिब था, समीर था, उसका बाप सुलेमान शेख, और क्या नाम उसका, उसकी माँ जिससे बहस हुई थी मेरी, यानी कि जाते जाते रास्ते में उल्टा सीधा बोलने लगी। मैं अपनी गाड़ी में माल लगा रहा था, वह आप में वीडियो में भी देख सकते हैं, मैं माल लगा रहा था, चलती चलती गाली गलौज करने लगी। हम लोगों ने उसको समझाया, नहीं समझी तो उन्होंने लड़के बुला के हमारे ऊपर हमला कर दिया, पत्थर चलाने लगे। हम लोग इतने समझते, अपने बच्चों को संभालते, इतने हमारे एक दो के सिर पे लग गई है। फिर इसके बाद मैं वहाँ से निकला अपने बच्चों को सिविल हॉस्पिटल ले जाने के लिए, तो चलती गाड़ी पे मेरे हमला कर दिया उन्होंने, पत्थर बरसाने, मेरी सारी गाड़ी आगे के शीशे, साइड के शीशे सब तोड़ दिए, हमारे फिर से डबल चोट लगी। हाँ, पहले भी लड़ाई हुआ था, 3 महीने की पहले की बात है, मेरा भतीजा है, उसके सिर में इन्होंने कृपान मार दी थी। वह 7-8 दिन सिविल हॉस्पिटल में था और 10 दिन PGI में भी भर्ती था। कारण क्या है? कारण यही बहस के पीछे, वह जो लेडीज है बहस है करती है, वह अपने आप को समझती है, मैं गुंडा करती हूँ। उसके पहले भी बहुत सारे लकड़े, यानी कि कोई घर उसके घर ऐसा नहीं बचा हुआ जिससे उसकी लड़ाई ना हो। आप जाके कोई पुलिस वाला भी इंक्वायरी करे तो उसको सब पता चल जाएगा, क्लियर है इनकी लड़ाई होती है। लेडीज का काम क्या है? लेडीज वह गाय पालती है, गाय पालती है अपने घर में, मज लड़का उसका ऐसे गुंडागर्दी करता है, चोरी चारी करता है, मोबाइल वोबाइल छीनता उनता है। हमारे 3 जनों के चोट आई अभी, मेरे मेरी भतीजी के और मेरी लड़की के, छोटी सी लड़की, वह 10 साल की लड़की है, वह तो बेहोश होके वहीं गिर पड़ी, पत्थरों से कृपाने और पाने भी चलाई कि नहीं हम देख नहीं पाए। हम लोग तो अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में लग गए, दरवाजे और आ जाए, हमारे घर पे जाके वीडियो बनाओगे तो आपको सब दिखेगा, दरवाजे टूटे हुए, पूरा कोशिश की उन्होंने। हाँ, पुलिस वाले को भी फोन किया, जब सब कुछ हो गया वे आ गए, उन्होंने फिर हमसे पूछा खींचा, इतने में फरार हो गए सबके सब। हम SHO साहब के पास भी गए, SHO साहब को हम फिर दिखा के आए अपनी सारी चोटें, फिर उन्होंने हमें भेजा कोई हवलदार के लिए बोला था, मगर हवलदार कोई नहीं आया अभी तक, क्योंकि हमें डर था कहीं दोबारा कोई हमला ना कर दे, जैसे अभी हम लोगों के डबल हमला हुआ जब हम लोग सिविल के लिए निकले। प्रशासन से यही मांग करते कि हमें इंसाफ मिले, जो 3-4 महीने से हमारा पेंडिंग चल रहा हमारा केस, उस पर सुनवाई हो। ये इसी की लेट कारण है जो उनको गिरफ्तारी नहीं हुई और उन्होंने दोबारा से हमला हम पे कर दिया। हम क्योंकि हम लोग अपने केस से पीछे नहीं हट रहे, वे साझ रहे कि किसी तरह इनको पीछे किया जाए। उसमें एक लेडीज़ को भी इन्होंने डाल दिया है कि हम झूठा केस करवा के हमारे भाई के ऊपर एक लेडीज़ को भी पीछे लगा दिया कि ये जा तू इसको परेशान कर, मैं लड़की, यानी कि ताल्लुक उसने अपनी मर्जी से बनाए थे, फिर उसने उंगली उंगली करके उसको यानी कि भड़का के हमारे खिलाफ एक और केस कर दिया लेडीज़ का, कि तू उनसे पैसे मांग, कि इन्होंने हमारे साथ छेड़छाड़ की है, बलात्कार किया है, ये किया, कमिश्नर तक उसने लेटर लिखवा के हमारे ऊपर एक केस और डलवा दिया। किसके ऊपर? मेरे भाई के ऊपर, और उसमें मेरा भी नाम डलवा दिया। तब के मैं उसके घर तक अभी तक कभी देखा भी नहीं कि उसका घर कहाँ है।
ठीक है, भाई का क्या काम करते हैं आप? हम लोगों की बेकरी है, उनके सामने हमारा थोड़ा सामने बेकरी है। कोई सीसीटीवी वगैरह आई है? हाँ सीसीटीवी है, उन्होंने एक मेरा कैमरा भी तोड़ दिया, तीन दो बचे हुए एक तोड़ दिया उन्होंने, छोटे हाथी का पूरा तोड़ दिया शीशा, दोनों आगे पीछे सबका, साइड का भी।